राजधानी देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय करने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 रैलियां होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए बीजेपी आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। कार्यक्रम तय होने पर पार्टी आगे की तैयारियां करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री, हमने अपने राष्ट्र नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करना।